एक दावा वायरल हो रहा है कि तेलुगु एक्टर प्रभास ने उद्घाटन से पहले राम मंदिर के लिए 50 करोड़ रुपए डोनेट किए। वहीं 22 जनवरी को उद्घाटन के दिन भोजन का भी खर्च उठाने का वादा किया। इसके अलावा हाल ही में एक कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के विधायक जगी रेड्डी ने भी दावा किया कि प्रभास अयोध्या में राम मंदिर के लिए डोनेट करने पर सहमत है व इसमें शामिल होने वाले लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था करेंगे। 22 తారీఖున ఒక మంచి కార్యక్రమం పెట్టారు రామ జన్మభూమి అయోధ్యలో మందిరం ప్రారంభోత్సవానికి అయ్యేటువంటి భోజనాల ఖర్చు అంతా కూడా మరి ప్రభాస్ గారు పెట్టుకుంటానని చెప్పాడు ఇది మెచ్చుకునే అంశం ఇప్పుడు ఏంటి కేకల పాపలం इन्वेस्टिगेशन के दौरान डी फ्राई की टीम ने वायरल दावे से रिलेटेड कुछ कीवर्ड सर्च किया। सर्च के दौरान टीम को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स मिले। 19 जनवरी को इंडिया टुडे द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वायरल दावे के पीछे की सच्चाई जानने के लिए एक्टर प्रभास की टीम के लोगों से संपर्क किया। टीम ने इन अफवाहों को खारिज कर इसे फर्जी खबर बताया है। इसके बाद अभिनेता और उनकी टीम द्वारा राम मंदिर उद्घाटन के लिए डोनेट करने या उद्घाटन के दिन भोजन की व्यवस्था करने के बारे में ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। डी फ्रैक के फैक्ट चेक से साफ है कि एक्टर प्रभास द्वारा राम मंदिर उद्घाटन के लिए 50 करोड़ डोनेट करने और उद्घाटन के दिन भोजन की व्यवस्था करने का वायरल दावा पूरी तरह से फर्जी है।